नमस्कार दोस्तों, अभी अभी बॉलीवुड की आगामी फिल्म प्रणाम का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। प्रणाम के डायरेक्टर है संजीव जायसवाल और लिखा भी संजीव जायसवाल ने ही है। स्टार कास्ट की बात की जाए तो राजीव खंडेलवाल, अतुल कुलकर्णी, अभिमन्यू सिंह, ये एक्टर और एक्ट्रेस आपको इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलेंगे। इस फिल्म में राजीव खंडेलवाल का मेन रोल होगा, जिसमें उनका एक ही सपना होता है कि वो अपने पापा का हर एक सपना पूरा करे। इस फिल्म में लव स्टोरी तो होंगी, साथ ही थोड़ा सा एक्शन भी देखने को मिलेगा। कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। छोटे पर्दे पर सीरियल कहीं तो होगा कि लीड किरदार सुजल के नाम से पहचाने जाने वाले राजीव खंडेलवाल बड़े पर्दे पर अभी अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राजीव की पहली फिल्म अमीर को समीक्षकों और दर्शकों ने खूब सराहा है, लेकिन जैसा अक्सर नए नए बने हीरो के साथ होता है, ठीक वैसे ही अमीर की कामयाबी भी राजीव पचा नहीं पाए। एक के बाद एक तमाम मौके पा चुके राजीव के सामने अब मौका है फिर से अपनी खोई हुई ब्रांडिंग बटोरने का। एक ICC अफिसर गैंगस्टर बन जाने की कहानी कहती है उनकी फिल्म प्रणाम। आपको बता दें कि प्रणाम अगले महीने रिलीज होने वाली है। इस फिल्म से राजीव को लगता है कि उनकी खोई हुई चमक जरूर लौट आएगी। फिल्म में उनके साथ बतौर हीरोइन समीक्षा सिंह है और फिल्म को निर्देशित किया है संजीव जायसवाल ने। राजू के अलावा फिल्म में अदाकारी के कुछ बड़े नाम हैं, जैसे विक्रम गोखले, अतुल कुलकर्णी, अभिमन्यु सिंह और अनुरुद्ध दवे। उम्मीद है दोस्तों आपने राजू खंडेलवाल की अपकमिंग मूवी प्रणाम का ऑफिशियल ट्रेलर देख लिया होगा। इस ट्रेलर में आपको कौन सी बात ज्यादा अच्छी लगी और ट्रेलर देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या प्रणाम बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होगी या नहीं? आपकी राय जरूर दें नीचे कमेंट सेक्शन में।